हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स कुलाटी स्टूडेंट्स आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आप सिर्फ़ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें तो स्टूडेंट्स आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे फिजिक्स सेमेस्टर क्लासिकल मैकेनिक्स यूनिट थ्री के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है रदर फोर्ट स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन तो स्टूडेंट्स रदर फोर्ड में हम क्या करते हैं रदर स्कैटरिंग में हम किसी भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को किसी हैवी न्यूक्लियस से स्कैटर करवाते हैं आपने रदर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट सुना हुआ है उसमें हम अल्फ़ा पार्टिकल को जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है उसको गोल्ड फॉयल के न्यूक्लियस से स्कैटर करवाते थे और उसी एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड जो हैं वो न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर पाने में सफल हुए थे तो स्टूडेंट्स मान लीजिए ये है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश और ये है हमारा ओरिजिन ओ हम मान लेते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है जिसको हमने यहाँ पर एन से डिनोट किया है वो इस पॉइंट पर सिचुएटेड है तो अब हम एक चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा जो कि इंफिनिटी से आएगा तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से आता हुआ इस न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस तो आप जानते हैं इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज तो दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगी और जैसे ही पार्टिकल जो है न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करेगा तो इनके बीच में कोलम्बिक रिपल्सिव फोर्स लगने की वजह से जो कनेटिक एनर्जी है चार्ज पार्टिकल की वो डिक्रीज होनी शुरू होगी और वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू होगी तो विलोसटी जो है चार्ज पार्टिकल की वो धीरे 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 कम होती रहेगी और जब पार्टिकल जो है इस पॉइंट पर पहुंच जाएगा इस पॉइंट पर तो पार्टिकल की सारी कनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और पार्टिकल जो है इस पॉइंट से स्कैटर होकर इस पाथ को फॉला फॉलो करता हुआ इस तरह से स्कैटर हो जाएगा तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो हाइपर पाथ है इसको आज हम प्रूव भी करेंगे कि जब भी पॉसिबली चार्ज पार्टिकल किसी हैवी न्यूक्लियस से स्कैटर होता है तो इट फॉलोस हाइपरबोलिक पाथ इसको हम मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे इस न्यूक्लियस से लेके इस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहां से करके आएंगे आइए पहले वो देख लेते हैं इन रदर फोर्ट स्कैटरिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज जेड डैश ई एंड मास बाई स्कैटरिंग में हम एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को जिसका चार्ज जो है वो जेड डैश ई होता है ई है चार्ज ऑन द प्रोटोन जो कि उस चार्ज पार्टिकल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे और जेड डैश है अटोमिक नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल जो कि नंबर ऑफ प्रोटोन्स के बराबर होता है इसको हम स्कैटर करवाएंगे एक हैवी न्यूक्लियस से जिसको हमने यहाँ पर एन से डिनोट किया है और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज ही होता है और चार्ज पार्टिकल का मास हमने लिया है स्मॉल एम द न्यूक्लियस इज एज्यूम टू बी एट रेस्ट ड्यूरिंग कोलिजन हम इस पूरे टॉपिक में ये मान के चलेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो रेस्ट पर रहेगा उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का मोशन नहीं होगा द चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज जेड ई जो न्यूक्लियस पे चार्ज होगा वो जेड ही होगा जहां पर जेड जो है वो एटॉमिक नंबर है इस न्यूक्लियस का अगर हम गोल्ड न्यूक्लियस की बात करें तो गोल्ड के लिए जो जेड होगा वो सेवनटी नाइन होगा लेट वी जीरो बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पॉसिबली चार्ज पार्टिकल मूविंग टूवर्ड हैवी न्यूक्लियस एन हम ये मान लेते हैं कि जब पार्टिकल इन्फिनिटी से इस न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच होना शुरू हुआ था इस न्यूक्लियस की तरफ मूव करना शुरू हुआ था तो जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो v0 थी तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप इस टॉपिक की थ्योरी में और क्या ऐड करके आएंगे एज द द द पार्टिकल न्यूक्लियस रिपल्सिव फोर्स रैपिडली जैसे जैसे पार्टिकल जो है वो न्यूक्लियस की तरफ अप्रोच करेगा तो पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाली जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो इंक्रीज करेगी कैसे देखिए रिपल्सिव फोर्स का फॉर्मूला होता है कोलम लॉ ऑफ कोलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग क्यू वन क्यू टू बाई फोर पाई एप्सो नॉट आर स्क्वेयर जहाँ पर एफ्सो नॉट है एपसोलूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्यू वन है चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल जो कि हमने लिया था जेड डैश ई और क्यू टू है चार्ज ऑन द न्यूक्लियस जो लिया है हमने जेड ई -E, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा चार्ज पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा किसी पॉइंट पर वो मान लेते हैं हम पार्टिकल जो है मान लीजिए इस पॉइंट पर है एट सम टाइम तो इस पॉइंट और न्यूक्लियस के बीच का जो रेडियल डिस्टेंस होगा दैट विल बी आर और ये एंगल हम मान लेंगे थीटा तो पी पॉइंट पर जो चार्ज पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स होंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स वो होंगे आर एंड थीटा तो जैसे जैसे आर जो है वो डिक्रीज करेगा तो एफ जो है वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो आर डिक्रीज होगा तो एफ जो है वो इंक्रीज होगा जिसकी वजह से क्या होगा एंड द पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम अ स्ट्रेट लाइन पाथ टू अपरबोलांग वन फोकस एट एन एज शोन इन फिगर तो जो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में आ रहा था सीधा वो हाइपरबोलिक पाथ लेने के लिए मजबूर हो जाएगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में एक्ट करेगी रिपल्सिव फोर्स जिसका मैग्नीच्यूड जो है वो इतना होगा आइए आगे देखते हैं द एसिम पोटोट्स ए ओ एंड बी ओ टू द हाइपरबोला गिव द डायरेक्शन ऑफ द इंसीडेंट एंड स्कैटर्ड पार्टिकल अब यहाँ पर इस हाइपरबोला पे हमें ड्रॉ करने होंगे ऐसीम पटोट्स जो कि इंसिडेंट और स्केटर्ड पार्टिकल की डायरेक्शन को बताएंगे ऐसीम पटोट क्या होता है पहले आप एसिम पटोट की डे, डेफिनेशन देख लीजिए एसीम पटोट अ स्ट्रेट लाइन दैट कॉन्टिन्यूली अप्रोचिज अ गिवन कर्व बट डज नॉट मीट इट एट एनी फनाइट डिस्टेंस एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो किसी कर्व को अप्रोच तो करती है पर उसको मीट नहीं करती किसी भी फनाइट डिस्टेंस पर तो अगर हम इस हाइपरबोला पर एसिम पटोट ड्रॉ करें तो आपको इस तरह से ड्रॉ करने होंगे कि ये इसको टच ना करे ये इसको टच ना करे ये मैं ओ पॉइंट यहां लिख देता हूं आप चाहे तो इसे डॉटेड लाइन में भी ड्रॉ कर सकते हैं ये हमारा पहला एसिम पटोट है जिसको हमने नाम दिया है ओ ए ओ ए और ये ए ओ जो है वो इंसिडेंट पार्टिकल की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है इसी तरह से हमें एक दूसरा आसिम पोटोट भी ड्रॉ करना होगा इस हाइपरबोला पर ऐसी एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को अप्रोच तो करती है पर उसको मीट नहीं करती किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पर और ये कर्व और जो स्ट्रेट लाइन है ये वाली हाइपर ऐसी uh, वाली वो इन्फिनी पर जाकर मीट करेंगे आप इसको थोड़ा ऐसे बना दीजिए इस तरह से इसको भी थोड़ा ऐसे बना दीजिए फॉर करेक्शन तो स्टूडेंट्स ये डायरेक्शन जो है इधर आएगी चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है और इधर जाकर स्कैटर हो रहा है तो ये है हमारा दूसरा पोटोट, इसको भी हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं इसको हम नाम देंगे बी ओ और इसको भी पीछे तक लेके जाएंगे को डॉटेड लाइन से बना दीजिए तो एओ और बी ओ ऐसी हमने इस हाइपरबोला पर जो है वो ड्रॉ कर दिए हैं ये ऐसी स्ट्रेट लाइन हैं जो इस कर्व को इस हाइपरबोलिक कर्व को आ, अप्रोच करेंगी कॉन्टिन्यूसली अप्रोच करेंगी बट इसको मीट नहीं करेंगी तो ए ओ हमें इंसिडेंट पार्टिकल की डायरेक्शन बता रहा है और बी ओ जो है हमें स्कैटर्ड पार्टिकल की डायरेक्शन बता रहा है तो स्टूडेंट्स एसिम पटोर्स ड्रॉ कर लिया हमने फिगर भी थोड़ा और अच्छे से बना लिया है इसके बाद आप इसमें और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं आगे लेट फाइव बी द स्कैटरिंग एंगल अब फाइव जो है हमने यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल लिया है और आप जानते हैं जो स्कैटरिंग एंगल है वो इंसिडेंट डायरेक्शन और स्कैटर्ड डायरेक्शन के बीच में लिया जाता है ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल और ये है डायरेक्शन ऑफ स्कैटर्ड चार्ज पार्टिकल तो इनके बीच का जो एंगल होगा ये वाला इसको हम ले रहे हैं फाइव और इस एंगल को हम मान लेते हैं अल्फा तो ये अल्फा है तो ये भी जो है वो अल्फ़ा होगा तो स्टूडेंट्स आइए आगे देखते हैं लेट स्मॉल पी बी द इम्पैक्ट पैरामीटर अब ये इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है इम्पैक्ट पैरामीटर जो पाथ होता है चार्ज पार्टिकल का और जो सेंटर होता है फोर्स फील्ड का उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जो हमारे पास पाथ है इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल का वो ये है ये डॉटेड लाइन जो है ये ए जो है हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा है पाथ ऑफ इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल और ये है हमारे पास सेंटर ऑफ फोर्स फील्ड जो कि न्यूक्लियस है तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज इम्पैक्ट पैरामीटर और उसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं तो आइए आगे, आगे देखते हैं अभी हमने देखा था कि जो रिपल्सिव फोर्स होगी न्यूक्लियस और इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल के बीच में वो इतनी होगी जेड डैश ई जेड ई बाय फोर पाई एफ सो आर स्क्वायर जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस वन बाय आर स्क्वायर माइनस जेड डैश ई जेड ई फोर पाई एफ सो माइनस माइनस जो है वो प्लस ही होता है वन बाय आर स्क्वायर को हमने अलग से लिख दिया इसको हम पुट करेंगे स्मॉल के तो ये हमारे पास एफ बन जाएगा एफ विल be इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर इसको हमने के ले लिया तो ये बन जाएगा माइनस के अपॉन आर स्क्वायर इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ले लिया वेयर के इज इक्वल टू माइनस जेड डैश ई जेड ई बाई फोर पाई एफ्सो नॉट ई को ई e से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसको हम सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे लिख सकते हैं जेड डैश जेड इन ई की स्क्वेयर तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं ये सेंट्रल फोर्स फील्ड का ही एक फॉर्म है यहाँ पर जो सेंट्रल फोर्स फील्ड है वो रिपल्सिव है क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है इसका मतलब ये है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो यहाँ पर सेंट्रल फोर्स फील्ड में मूव कर रहा है तो इसके पाथ को डिस्क्राइब करने के लिए जो इक्वेशन होगी वो हमें सेंट्रल फोर्स फील्ड वाली इक्वेशन जो है वो यहाँ पर यूज़ करनी होगी जो हम पिछले वीडियोस में ड्राइव कर चुके हैं तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन इट इज़ क्लियर दैट द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ सेंट्रल फोर्स फील्ड हैंस इक्वेशन ऑफ पाथ इज गिवन बाय इस फॉर्मूले से इट इज़ क्लियर दैट सेंट्रल फोर्स जो होती है वो इनवर्स स्क्वेर लॉ ऑबे करती है वो डायरेक्टली टू होती है वन बाय आर स्क्वेयर के तो इसका मतलब यह है कि पार्टिकल जो है वो सेंट्रल फोर्स फील्ड के अंडर मूव कर रहा है जो इस न्यूक्लियस ने क्रिएट किया है तो इक्वेशन ऑफ पाथ जो होगी सेंट्रल फोर्स फील्ड के लिए वो ये होती है एल बाय आर वन प्लस ई कॉस थीटा जहाँ पर एल जो है वो लेटेस्ट रेक्टम होता है और वो होता है जे स्क्वायर बाय एम पी जहाँ पर जे है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द चार्ज पार्टिकल और ई e होता है हमारे पास असेंट्रिसिटी जिसका फॉर्मूला जो है हम पिछले वीडियोस में इस यूनिट के पिछले वीडियोस में ड्राइव कर चुके हैं वो है वन प्लस टू ई जे स्क्वायर बाई एम के स्क्र ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी ये पी नहीं ये के है यहाँ पर तो के को आप अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में इस के की वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे और हम चेक करेंगे कि असेंट्रिसिटी कैसी निकल के आ रही है अगर ये ग्रेटर देन वन निकल के आई तो उसका मतलब ये है कि जो हमारा पाथ होगा वो हाइपरबोला होगा वो हम चेक करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने के की वैल्यू लिख ली थी जो सेकंड इक्वेशन में लिखी थी लेटेस्ट रेक्टम एल की वैल्यू लिखी थी फोर्थ इक्वेशन में और सेंट्रिसिटी ई e की वैल्यू लिखी थी फिफ्थ इक्वेशन में अब हम इस इसके की वैल्यू को पहले यहां पर पुट करेंगे फिर इस के की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे आइए देखते हैं हमें क्या मिलेगा यूजिंग टू इन फोर वी गेट एल इज इक्वल टू जे स्क्वेयर बाय एम एज इट इज यहाँ पर के की वैल्यू पुट करो जो कि है माइनस जे जेड डैश जेड ई स्क्वेयर बाय फोर पाई एफ नॉट ये फोर पाई ऑप्शन चला जाएगा और माइनस साइन जो है बाहर आ जाएगा तो आपको मिलेगा एल इज इक्वल टू माइनस जे स्क्र फोर डिवाइड में एम जेड डैश जेड ई स्क्वेयर इसको हमने सिक्स इक्वेशन दे दिया अब हम के की वैल्यू को ये बोले के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग टू इन फाइव वी गेट इज इक्वल टू समय रूट वन प्लस टू ई जे स्क्वेयर बाय एम ऐसे रहेगा और यहाँ पर आप के की वैल्यू पुट करेंगे माइनस जेड डैश जेड ई e स्क्वायर बाय फोर पाई एफ्सोनोट ऊपर स्क्वेयर है यहाँ पर तो यहाँ पर स्क्वेयर लगाएंगे ये फोर पाई एफ्सोनोट का स्क्वेयर जो है ऊपर चला जाएगा तो आपको मिलेगा ई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वन प्लस टू ई जे स्क्वायर बाय एम ऐसे ही फोर पाई एफ्सोन स्क्वेयर ऊपर चला गया माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया और इन तीनों का स्क्वायर हो जाएगा जेड डैश स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर फोर इसको हमने सेवंथ इक्वेशन दे दिया तो स्टूडेंट्स इसके आगे के स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने असेंट्रिसिटी का एक्सप्रेशन लिख लिया था इन टर्म्स ऑफ जे जो कि मोमेंटम है और ई e, जो यहाँ पर टोटल एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रही है इनिशियली जो पार्टिकल था वो इन्फिनिटी पर था तो इनिशियली जो हमारा आर होगा वो इन्फिनिटी होगा जो डिस्टेंस होगा चार्ज पार्टिकल फ्रॉम न्यूक्लियस वो इन्फिनिटी होगा तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है जिसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई फोर पाई एफ सो नॉट आर तो अगर आर इन्फिनिटी हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी मीन्स इनिशियली जब पार्टिकल इन्फिनिटी पर होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो जीरो होगी हो तो हो और उसके पास सिर्फ और सिर्फ कर्नेटिक एनर्जी होगी जो टोटल एनर्जी होगी पार्टिकल की जो कि सम होगा कनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का वो कितनी हो जाएगी अगर हम टोटल एनर्जी को ई से डिनोट करें कैपिटल ई से और कनेक्टिक एनर्जी का फॉर्मुला होगा हाफ एम वी स्क्वेयर इनिशियली जो विलोसिटी थी चार्ज पार्टिकल की हमने शुरू में लेट की थी वो थी वी जीरो स्क्वेयर प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है पार्टिकल की इनिशियली वो जीरो निकली है क्योंकि पार्टिकल जो है वो इन्फिनिटी पर होगा इनिशियली तो यहाँ से अगर हम दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिलेगा एम ई इज इक्वल टू हाफ

मास एम ही है पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वी जीरो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में वो जो वो है स्मॉल पी तो यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इम्पैक्ट पैरामीटर पी के बराबर होगा तो यहाँ पर अगर हम एम वी जीरो की वैल्यू पुट कर दें ये वाली तो जे की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से टू एम ई ीटर पी ये एम बी जीरो की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी इसको हम दे देते हैं नाइन्थ इक्वेशन तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम करेंगे आने वाले सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने एक सेवंथ इक्वेशन लिख ली थी और जे को हमने एनर्जी टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल और इम्पैक्ट पैरामीटर पी की फॉर्म में निकाल लिया था अब हम क्या करेंगे इस जे की जगह ये वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग नाइन इन सेवन वी गेट e इज इक्वल टू स्क्र रूट वन प्लस टू ई बाई एम जेड डैश स्क्वायेयर जेड स्क्वायर ई की पावर फोर ऐसी देगा इस जे की जगह आप पुट करेंगे स्क्वायर रूट टू एम ई इंटू पी इंटू फोर पाई एफ्सर नॉट का स्क्वेयर तो यहाँ पर हम स्क्वेयरिंग कर देते हैं तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और पी के ऊपर जो है यहाँ पर स्क्वेयर आ जाएगा तो मैंने यहाँ पर स्क्वेयरिंग कर दिया और यहाँ से स्क्येर जो है वो हट जाएगा तो अब आप क्या करेंगे इसको कंप्रेस करके लिखेंगे ई इज इक्वल टू स्क्र रूट वन प्लस टू इंटू टू हो जाएगा फोर ई इंटू ई हो जाएगा ई e स्क्यर और एक एम से ये वाला एम जो है वो कैंसिल हो जाएगा पी स्क्र फोर पाई एफ नॉट स्क्वायर और नीचे जेड एस स्क्वायेयर जेड स्क्वायर ई की पावर फोर ये हम टेंथ इक्वेशन दे देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी टर्म जो हैं वो पॉजिटिव क्वान्टिटीज़ हैं तो ऑब्वियस है कि जो ई e की वैल्यू होगी वो वन से ग्रेटर होगी क्योंकि वन में कुछ पॉजिटिव टर्म ऐड हो रही है फ्रॉम टेन ई ग्रेटर देन वन हैंस द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इज हाइपर बोला और जिस कॉनिक सेक्शन के लिए सेंटिसिटिव वन से ग्रेटर आती है तो वो हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर जो पाथ होगा चार्ज पार्टिकल का अंडर दिस सेंट्रल फोर्स फील्ड ऑफ न्यूक्लियस वो हाइपरबोला होने वाला है अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर यहाँ पर तीन एंगल्स लाई कर रहे हैं फाइव प्लस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा और इन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री मीन्स पाई के बराबर होगा तो आप लिखेंगे फाइव प्लस अल्फा फाइव प्लस अल्फा प्लस अल्फाइज इक्वल टू पाई ये फॉर्म कर रहे हैं तो फाइव प्लस टू अल्फा इक्वल टू पाई हो जाएगा तो यहाँ से टू अल्फा आ जाएगा पाई माइनस फाइव तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा टू को नीचे भेज देंगे पाई बाई टू माइनस फाइव बाई टू इसको हम दे देते हैं इलेवंथ इक्वेशन क्योंकि इसका आगे यूज होने वाला है तो इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने अल्फ़ा और स्कैटरिंग एंगल फाइव के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर लिया था अब देखिए स्टूडेंट्स ये एंगल थीटा है और ये एंगल अल्फ़ा है ये आपस में कब बराबर होंगे जब आपका आर जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा जब आपका आर जो है इन्फिनी को अप्रोच करेगा तो ये जो रेडियल डिस्टेंस है बिटवीन चार्ज पार्टिकल एंड न्यूक्लियस वो इस असीम पटोट के साथ पैरल में हो जाएगा जिसकी वजह से ये थीटा और अल्फा जो है वो बराबर हो जाएंगे तो आप लिखेंगे यहाँ पर वैन

यहाँ से कॉज अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन अपॉन ई तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट कर दो ये वाली तो आप लिखेंगे कॉस फाइव बाई टू माइनस फाइव बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन ई कॉस नाइनटी माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा जो कि है फाइव बाई टू तो आप लिखेंगे साइन फाइव बाई टू इज इक्वल टू माइनस वन ई और साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसैक् कॉसेक फाइव बाय टू हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल माइनस वन ई का रेसिप्रोकल क्या होता है माइनस ई e होता है तो यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दें तो आपको मिलेगा कॉस एक्स स्क्वायेर फाइव इज इक्वल टू ई स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर फाइव को हम लिख सकते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर फाइव बाय टू इज इक्वल टू यहाँ पर आपको ई की वैल्यू पुट करनी होगी जो अभी हमने पिछले सेक्शन में टेंथ इक्वेशन में निकाली थी ये वाली तो आप यहां पर ई की वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट वन प्लस फोर ई स्क्वायर पी स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर जेड डैश स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर फोर तो यहां से ये स्क्वेयर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और इस वन से ये वाला वन कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा कोट स्क्वायर फाइव बाय टू इज इक्वल टू फोर ई स्क्र पी स्क्र फोर पाई एफ सो नॉट जेड स्क्र जेड स्क्वायर ई की पावर फोर तो यहाँ से अगर आप कोट फाइव बाय टू की वैल्यू निकालें कॉट फाइव बाई टू की वैल्यू निकालें तो वो यहाँ पर स्क्वेयर रूट बन जाएगा तो ये मिल जाएगा आपको फोर ई पी फोर पाई एफ नॉट और फोर का स्क्वायर रूट जो है वो टू होता है तो यहाँ पर आपको टू लिखना है और नीचे जेड जेड ई e स्क्वायर मिल जाएगा तो कॉट फाइव बाई टू की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इसके आगे हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर ट्वेल्व तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने कॉट फाइव बाई टू की वैल्यू निकाली थी जो कि ये निकल के आई थी इसको हमने ट्वेल्थ इक्वेशन दी थी यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके पी की वैल्यू निकाल लेंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी जेड डैश जेड ई स्क्वेयर टू ई फोर पाई एफ सो नॉट कॉट फाइव बाई टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपने स्मॉल पी की वैल्यू निकाल ली तो इस फॉर्मूले को हम इंपैक्ट पैरामीटर फाइंड करने में यूज कर सकते हैं अगर हमें स्कैटरिंग एंगल फाइव पता हो ये हमारी थर्टीन इक्वेशन है अब हमें दोनों तरफ फाइव के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा मीन्स फाइंड करनी होगी डी पी बाय डी फाइव की वैल्यू क्योंकि स्कैटरिंग क्रॉस एक्शन के फॉर्मूले में ये चीज यूज होगी तो दोनों तरफ अगर हम फाइव के रिस्पेक्ट में करें तो आपको क्या मिलेगा इस माइनस साइन को मैं आगे कर देता हूँ और इस टू और इस टू को मल्टीप्लाई करके वन बाय फोर कर देता हूँ और यहाँ से ये ब्रैकेट जो है वो हटा देता हूँ तो ये हमारी फोर्टीन इक्वेशन है डी पी बाय डी फाई की वैल्यू ये निकल के आ गई ना स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है सिग्मा फाइ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम सिग्मा फाइव से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है माइनस पी बाय साइन फाइव डी पी बाय डी फाइव अब सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स पर सेकेंड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्कैटरिंग एंगल दैट इज फाइव कितने पार्टिकल जो है वो स्कैटर हो रहे हैं पर सेकेंड फाइव डायरेक्शन में दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्कैटिंग क्रॉस सेक्शन और उसको हम इस फॉर्मुला से कैलकुलेट कर सकते हैं तो अब हमें करना क्या है सिर्फ पी की वैल्यू सबसे चूट करनी है ये वाली और डीपी बाई डी की वैल्यू पुट करनी है ये वाली तो आपको मिलेगा यहाँ से देखिए सिग्मा फाइव इज इक्वल टू माइनस साइन ये वाला उसके बाद माइनस साइन ये वाला और उसके बाद पी की वैल्यू देखिए क्या है जेड डैश जेड ई स्क्वेर जेड डैश जेड कॉट फाइव बाई टू और नीचे हमारे पास 2 e 4 pi epsilon इस sin 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं टू साइन फाइव फाइव का होता है ये 2 sin by 2, cos by 2. उसके बाद की वैल्यू पुट कर दो ये वाली पूरी की पूरी अलग से ब्रैकेट में और इस कॉट फाइव बाई टू को आप लिख दो क्या कॉस साइन की टर्म्स में कन्वर्ट कर दो दोन टू डिवाइड बाय साइन फाइव बाई टू इस साइन फाइबर टू से इस कॉस फाइवर टू से इस कॉस फाइवर टू कटेगा और ये टू इस टू से मल्टीप्लाई होके यहाँ पर बन जाएगा फोर या टू टू लिखा रहने तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर टू लिखा रहने दो तो। और ये साइन फाइवर टू नीचे आएगा यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर फाइव साइंस स्क्वायर फाइव रेसी प्रोकल होकर बन जाएगा कॉश एक्स स्क्स ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फाइनल आंसर में आपको कॉशेक्स की पावर फोर फाइव टू मिलेगी तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं जेड डैश जेड ई स्क्वायर यहाँ भी है और यहां भी है तो ये आपके पास हो गया जेड डैश जेड ई माइनस हो जाएगा प्लस और उसके बाद आपके पास फोर पाई एफसो नोट फोर पाई एफसो नॉट है तो यहां पर फोर पाई एफसो नोट का स्क्वायर हो गया और साथ में आपके पास e है यहां पर e है तो यहां पर e का भी स्क्वायर हो गया फोर पाई एफसो नोट को आप ब्रैकेट में लिख दीजिए उसके बाद यहां पर टू का स्क्वायर भी हो जाएगा यहाँ पर टू का स्क्वायर भी अलग से लिख दीजिए और ये जो फोर है इसको आप अलग से लिख दीजिए वन बाय फोर करके और साथ में यहाँ पर आप लिख दीजिए कॉसेक की पावर फाइव बाय टू समझ आ गया होगा कॉसेक की पावर फोर 5 बाय टू कैसे आया साइन फाइव बाय टू साइन फाइव बाय टू मल्टीप्लाई होकर हो गया साइन स्क्वायर फाइव बाय टू ये ऊपर जाएगा तो कॉस एक्स फाइव टू से मल्टीप्लाई होकर कॉस एक्स स्क्वेयर फोर फाइव टू आ जाएगा तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से ये स्क्वेयर्स हटा के यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं तो ये है आपके पास एक्सप्रेशन फॉर अदर फोर्ट स्कैटरिंग क्रॉस एक्शन तो आप देख सकते हैं कि जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है वो कॉसै की पावर फोर फाइवर टू पर डिपेंड कर रहा है चार्ज ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड कर रहा है जो कि है जेड डैश ई और जेड ई चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस पर डिपेंड कर रहे हैं स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और साथ के साथ टोटल एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल के इनवर्सली प्रोपोर्शनली वेरी कर रहा है ये पॉइंट्स भी आप नीचे लिख सकते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ तक खत्म होता है आपके पास अदर फोर्ड्स क्रॉस एक्शन आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लासिकल मकैनिक्स के साथ टिल देन टेक केयर